ब्रेस्ट कैंसर, ये कैसे डायग्नोसिस होती है, कैसे स्क्रीन होता है और इसकी ट्रीटमेंट में क्या क्या ऑप्शन है, ये सारे विषय में आज हम चर्चा करेंगे, आज हम जानेंगे। आइए। मैं हूँ डॉक्टर स्वागत दास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, जैसे आपको मतलब अंदाजा लग ही गया होगा कि यूजुअली दिस इज ए फीमेल कैंसर, यूजुअली फीमेल में होता है। ऐसा नहीं कि मेल ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, मेल ब्रेस्ट कैंसर होता है बट ये काफ़ी रेयर है। तो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, तो इसके रिस्क फैक्टर क्या है? जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का वो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। मतलब अगर आपकी फैमिली में आपके मदर को, आपके ग्रैंड मदर को, आपके सिस्टर को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो ये आप में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको स्क्रीन कैसे करें? स्क्रीन हम क्यों करें? क्योंकि जितना अर्ली हम डिटेक्शन करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस करेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट उतना सफल होगा, हमारे कैंसर से क्योर होने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वे ऑफ स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। नहाते हुए या कपड़े पहनते हुए आप अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करें। अगर आपको एग्जामिन करते हुए अगर आपको कहीं पे कोई गांठ फील होती है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट के सारे गांठ जो होते हैं वो कैंसरस होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइब्रोएडिनोमा भी होता है जो कि बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस होता है। तो अगर कोई गांठ है डरने की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह करें, डॉक्टर आगे आपको बताएंगे। जो नेक्स्ट जो होता है वो होता है मामोग्राफी, एक्सरे मामोग्राफी और यूएसजी मामोग्राफी। यूजुअली जो 40 के ऊपर के फीमेल हो जाते हैं उनके एनुअल चेकअप में हम एक्सरे मामोग्राफी एडवाइस करते हैं। ये मामोग्राफी क्या होता है? अगर ब्रेस्ट में कोई छोटा मोटा गांठ है तो जो कैंसरस के फीचर्स हैं, मतलब जो एक्सरे के जो साइंस होते हैं जिससे कैंसर होने के चांसेस हमें ज़्यादा लगते हैं, अगर वो फीचर्स अगर मामोग्राफी में आते हैं तो फिर डॉक्टर आपको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड या क्लिनिकली गाइडेड बायोप्सी कराने के लिए। मतलब अगर छोटी सी गांठ है तो छोटी सी गांठ हाथ से तो पालपेट नहीं होगा, तो उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी कराएं, या तो अगर हाथ से पालपेट हो रहा है तो उसको क्लिनिकली एग्जामिन करके बायोप्सी कराएं। जो ब्रेस्ट का कैंसर है यूजुअली दो तीन तरह के जो मोस्ट कॉमन कैंसर होते हैं, डक्टल कार्सिनोमा, लोबुलर कार्सिनोमा, ये दो मोस्ट कॉमन तरह के होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में जो सबसे अच्छी बात है, अर्ली डायग्नोसिस गिव्स यू द चांस ऑफ कंप्लीट क्योर। मतलब अगर हमने अर्ली डायग्नोसिस करके बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ लिया तो हमारे कंप्लीट क्योर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर की सबसे ज़्यादा खूबी है, इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी को डायग्नोज हुआ उसके बाद नेक्स्ट व्हाट, फिर क्या? तो जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है यूजुअली मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी, ये तीनों ऑप्शन ब्रेस्ट कैंसर में अवेलेबल है बट अलग अलग स्टेज में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो कौन सा स्टेज है डायग्नोसिस में, क्या स्टेज है, हम पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट ऑफर करें, स्टेज जानने के लिए जो सबसे जो हमारे पास जो मोडालिटी अवेलेबल है वो है FDG पेट स्कैन। FDG पेट स्कैन हमें बताता है ब्रेस्ट कौन से स्टेज में, ब्रेस्ट कैंसर कौन से स्टेज में है। अब आप पूछेंगे क्या सारे ब्रेस्ट कैंसर के लिए पेट स्कैन जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। T1 या T2 ट्यूमर, मतलब अगर ब्रेस्ट की जो गांठ होती है वो तीन या चार सेंटीमीटर से छोटी है और आपके डॉक्टर ने क्लिनिकली एग्जामिन किया, यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर का जो स्प्रेड होता है वो जो गांठों में होता है एक्जिला, मतलब बगल में जो गांठें होते हैं उसी में स्प्रेड होता है, डॉक्टर ने एग्जामिन किया है, एक्जिला में कोई भी लिम्फ नोड या गांठ नहीं है और आपकी जो ब्रेस्ट कैंसर का जो प्राइमरी जो गांठ है वो गांठ 3 सेंटीमीटर से छोटा है, तो आपको ये पेट स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। उसमें जो ट्रीटमेंट है, बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इज सर्जरी। आप सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले, वो आपको सर्जरी ऑफर करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर की जब सर्जरी हो जाएगी तो आपका कंप्लीट क्योर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की जो सर्जरी होती है यूजुअली स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर में सर्जरी होता है। सर्जरी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट टू गेट यू कंप्लीटली क्योर्ड आउट ऑफ कैंसर। तो अगर आपका स्टेज 1 या स्टेज 2 कैंसर है और अगर आपको डॉक्टर सर्जरी कराने के लिए आपको सलाह देते हैं तो आपको ये करा लेना चाहिए। आजकल तरह तरह के सर्जरी आ गए हैं,
पार्शियल मास्टेक्टोमी, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, तो इस रिगार्डिंग जिसमें आपका ब्रेस्ट कंजर्व भी हो सकता है, तो इस रिगार्डिंग बात इस पूरा इन्फॉर्मेशन आपको सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेज थ्री या स्टेज फोर। यूजुअली स्टेज थ्री या स्टेज फोर में यूजुअली क्या होता है, कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी देके स्टेज थ्री में क्या होता है, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं। ये जो न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी क्या करता है, ब्रेस्ट की गांठ को छोटा कर देता है, तो उसके बाद कई बार उसकी भी ऑपरेशन हो जाती है। उसके बाद इसमें रेडिएशन का भी काफ़ी रोल है ब्रेस्ट कैंसर में। रेडिएशन यूजुअली ऑपरेशन के बाद ही दिया जाता है, और जब रेडिएशन दिया जाता है तो आपका जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें रीअकरेंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब आते हैं मेटास्टेटिक सेटिंग, मतलब ब्रेस्ट कैंसर का स्प्रेड। यूजुअली जो ब्रेस्ट कैंसर है, यूजुअली मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर का स्प्रेड होता है बोन्स में, हड्डियों में फैलता है, लंग्स में फैलता है, लीवर में फैलता है, और ब्रेन में भी कई बार फैलता है। तो पेट स्कैन में अगर आपका ऐसा कोई स्प्रेड आया है जो ब्रेस्ट के बाहर है, और पेट स्कैन अगर दर्शाता है कि ये स्टेज फोर कैंसर है, तो फिर उसमें कीमोथेरेपी होता है। ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोन सेंसिटिव कैंसर है, तो इसमें कई बार हार्मोनल ट्रीटमेंट भी आपको दिया जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में एक बार ट्रीटमेंट हो गया तो उसके बाद क्या पेट स्कैन का कोई रोल है? बिल्कुल है, क्योंकि एक बार ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, तो आपके बॉडी में कहीं पे कैंसर के सेल्स अभी बचे हुए हैं, नहीं बचे हुए हैं, ये कौन बताएगा? ये पेट स्कैन बताता है। और उसके बाद एक बार आप कंप्लीटली क्योर हो गए, आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, उसके बाद आपको फॉलो अप में रहना है, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम गैप के अंदर, टाइम गैप के बाद आपको अपने डॉक्टर से मिलते रहना है, जो बीच बीच में कुछ स्कैन कुछ टेस्ट करा के आपको देखेंगे कि कहीं आपका कैंसर का रीअकरेंस के चांसेस तो नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, यूजुअली हर साल एक बार सारे पेशेंट का पेट स्कैन होता है। ये पेट स्कैन एक ही होल बॉडी का स्कैन है, एक ही स्कैन हमें पूरे ऑर्गन सिस्टम, बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं सब में एक ही स्कैन हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कहीं पे रीअकरेंस के चांसेस होते कि नहीं है। अगर पेट स्कैन में अगर कोई आता है ऐसे लीजन, जैसे अर्ली डायग्नोसिस मैंने बताया, अर्ली पकड़ लेंगे, बहुत जल्दी हम रीअकरेंस को पकड़ लेंगे, तो अगेन उसके क्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के जो पेट स्कैन का रोल डायग्नोसिस में भी आता है, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स में भी आता है, और फॉलोअप सिनेरियोज में भी आता है। ये एक ओवरव्यू था ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, और उसमें पेट स्कैन का क्या रोल है उसके बारे में। हम आपको डिटेल इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस और भी डिस्कस करेंगे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, और आगे और भी वीडियोज हम पोस्ट करेंगे। आप हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।